सभी लोगों का इस हेल्थ प्रोग्राम में स्वागत है। डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी आश्रम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सेहत है पर दवाई नहीं, यहाँ उपचार है पर अस्पताल नहीं। इसीलिए ये कहा जा सकता है, सूर्यमाल के संत तूने कर दिया कमाल, देवी सेहत हमें बिना दवाई बिना अस्पताल। हेल्थ फॉर ऑल किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन नहीं, ये एक संत का सपना है जिसे उसने 11 साल की उम्र में देखना शुरू किया था और आज भी देख रहा है। ओवर टू यू श्वेता। डॉक्टर मेहरा, आपका कोई सपना है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? हाँ, ये मैं जो ये है अभी आपको बयान किया है वही है कि मेरी तमन्ना है कि हमारा अपना अपनी जगह लेके अपना करके गांव-गांव में 6 गांव के अंदर हमारा एक सेंटर अवश्य हो, ये मेरा सपना है। बाकी मेरे सपने जो मैंने सोचे थे कि मैं आश्रम बनाऊंगा, 11 साल की उम्र से मैंने सोचा हुआ था, सब बन गया है, वेल टू डू है। अभी 850 सेंटर हैं, मगर ये एक सपना है कि गांव में हम अपना खोलेंगे। इस साल वो पूरा करके रहूंगा, मेरी इच्छा है। और मैंने जो भी सपना बनाया है, झूठा सपना कुछ नहीं रहा। मेरी हरि ने बहुत कृपा है मेरे ऊपर, हर सपना ठीक होता है और मैं उसमें कामयाब होता हूँ। मशहूर अमेरिकन ऑथर, पोएट, फिलोसोफर हेनरी डेविड ने कहा था, इफ वन एडवांसेस कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ड्रीम्स एंड एंडेवर्स टू लिव लाइफ विच ही हैज इमेजिन्ड, ही विल मीट विद सक्सेस अनएक्सपेक्टेड इन कॉमन आवर्स। ऐसा ही कुछ डॉक्टर मेहरा के साथ हुआ है। वो हमेशा अपने सपनों की दिशा में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे हैं और उसी तरह का जीवन जिया है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इसीलिए उन्हें वो सफलता मिली है जो आम तौर पर नहीं मिलती है। शायद आप रो पड़ेंगे अगर आपको ये पता चले कि किसी के पति ने अपनी पत्नी को इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसे एक खतरनाक बीमारी हो गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेल्जियम से आई बर्निस की, जिसकी जिंदगी पिछले 20 सालों से बेड या व्हील चेयर में गुजर रही है। हेलो, आई एम बर्निस, बर्निस एंड आई कम फ्रॉम बेल्जियम। आई लिव इन बेल्जियम फॉर 25 इयर्स एंड आई सफर 20 इयर्स फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड I don't walk and I don't do many things and I came in touch with ghoul and now I'm treated here for 5 days and I tremendously feel big difference in me. I'm able to walk with help and I still feel things moving with me. So I'm just waiting now because I'm going to stay a long time. And I got much trust in this sir. हाँ, ये बेनिस जी हैं, बेल्जियम से आई हैं, इनको आए हुए आज 5th day है। ये टूरिस्ट के साथ में इंडिया आए थे, वहाँ ये उरली कंचन गए तो वहाँ मालूम पड़ा कि डॉक्टर मेहरा इनको ठीक कर सकते हैं, तो उरली कंचन से ये यहाँ पहुँचे हैं। आज इनका 5th day है। 20 साल से ये बिना सपोर्ट के, मतलब ये चल ही नहीं सकते थे, इस 5 दिनों के अंदर वो कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा आराम है और सपोर्ट से वो चल सकती हैं। और उन्होंने बयान किया है कि मेरे हाथ और पांव बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। पहले इनका विचार था खाली 12-13 दिन रहने का और 23 तारीख का उनका सीट बुक है, मगर अभी वो कह रही है कि मैं 3 महीना एक्सटेंड करके मैं यहाँ 3 महीना रहूँगी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा आराम है। और रियलिटी में उनको बहुत अच्छा लग रहा है एंड शी इज फीलिंग वेरी मच बेटर। पिछले 20 सालों में बर्निस अपना हाथ ऊपर नहीं उठा सकी है। 17 दिनों के न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद आप खुद देखिए। बीमारी चाहे कितनी भी असाध्य क्यों ना हो, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा के मल्टी स्पेशलिटी न्यूरोथेरेपी आश्रम में उनका इलाज संभव है।
हम ओमान से आए हैं अपने बेटे का ट्रीटमेंट कराने के लिए. मेरे बेटे को हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो इसको पहले खांसी जुकाम, इम्यूनिटी पावर बहुत कम थी, खांसी जुकाम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है और इसका हार्ट बीट बढ़ जाती है. उसकी अब इसको ट्रीटमेंट देने के बाद इसको एंटीबायोटिक और निप्लाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ी है. तो हमको गुरुजी ने ट्रीटमेंट सिखाया है, 2-3 महीने के बाद हम दोबारा आएंगे गुरुजी के आश्रम में इसको बेटे को दिखाने. ये बच्चा ओमान से आया है, मस्कत से, और इस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है बाय बर्थ. इसे प्रॉब्लम थी, चलने में भी प्रॉब्लम है, बोलने में भी प्रॉब्लम है, और इसे इम्यूनिटी बहुत कम थी. इसे हमेशा एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने पड़ते थे. ये 20 दिन के ट्रीटमेंट में इस बच्चे के जो एंटीबायोटिक्स और नेबुलाइजर जो ले रहे थे, जिसको इसको बहुत ज़रूरत थी और इम्यूनिटी बहुत कम थी, इस 20 दिन के दौरान वो सब मेडिसिन बंद हो गई हैं एंड ही इज़ फीलिंग मच बेटर. इस बच्चे का नाम तेजस है, बॉम्बे में ही रहते हैं, और इसको जब जन्म हुआ तब इसको मेनिंजियो माइलोसिल की डिजीज थी, जिसके कारण इसके स्पाइनल कॉर्ड का कोई एक वेटेब्रा ना होने के कारण वहाँ एक लेपोमा टाइप इतना बड़ा गोला सा हो जाता है. और फर्स्ट डे ही डॉक्टरों ने उसके ऑपरेशन करके वो जो लाइपोमा था उसको निकाल दिया. वो निकल जाने के बाद इन लोगों के, इन बच्चों के नीचे के यूरिन के और लेग्स के कंट्रोल सब निकल जाते हैं. मेरे पास लास्ट मई में ये आया था. ये बच्चा चलता था बिग टो पे और रेड़ी जमीन पे नहीं लगती थी, और इसको काफ़ी तकलीफ थी, और सारा दिन यूरिन कंट्रोल ना होने की वजह से यूरिन पास होता रहता था. रात को 3-4 बार ये बेड वेटिंग करता था. तो वहाँ 20 दिन ये रहे आश्रम में, इसको ट्रीटमेंट दिए तो काफ़ी आराम हुआ, और उसके जो ट्रीटमेंट थे वो इनकी माता जी को सिखा दिए थे. फिर थोड़े दिन के लिए 2 महीने के बाद फिर वो वहाँ आए थे, दोबारा भी 8-10 दिन रहे, उनको फर्दर सिखा दिया. अच्छा, जो लास्ट 14 साल में मुझे दवा से उसको कहाँ कहाँ लेके गए, लेकिन जो फर्क नहीं आया था, तो डॉक्टर मेहरा के ये बैंड्रा क्लिनिक में आके जो न्यूरोथेरेपी देने चालू किया जा लास्ट में से, उससे मुझे बहुत काफ़ी फर्क आया. फिर मैंने उसे आश्रम में भी लेके गई, उधर 20 दिन हम रहे मई महीने में, बाद में गणपति के टाइम में भी सितंबर में जाके 5-6 दिन रह के हम लोगों ने उसे और थेरेपी उन्होंने मुझे भी सिखा दी है कि मैं घर पे उसे दे सकूँ. मैं ऑफिस जाके शाम को आके भी उसको ट्रीटमेंट देती है, और वो स्कूल जाके अभी स्कूल सब एंजॉय करते हैं, बच्चों में भी अच्छी तरह से रहता है. डॉक्टर लाजपत राय मेहरा का न्यूरोथेरेपी आश्रम मुंबई से तकरीबन 135 किलोमीटर, नासिक से 80 किलोमीटर और इगतपुरी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है. यहाँ बीमारों और उनके परिजनों के रहने और खाने की सुविधा उपलब्ध है. सूर्यमाल का पता है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी आश्रम, विलेज सूर्यमाल, पोस्ट गोमघर, डिस्ट्रिक्ट थाने, 401-604 महाराष्ट्र, इंडिया. फोन नंबर है 09271509481, 09209618191. ईमेल एड्रेस है lmehraNT@hotmail.com, neuroilaj.mehra@gmail.com. हमारी वेबसाइट है www.neurotherapyindia.org. मुंबई हिंदू सेवा समाज, बेसमेंट वेस्ट विंड बिल्डिंग, अपोजिट सी किंग, HK भाभा रोड, बैंड स्टैंड, बैंड्रा वेस्ट, मुंबई 400050, इंडिया. आप हमारे साथ रहे उसका बहुत बहुत शुक्रिया. गुड बाय, टेक केयर.